हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चिकन चिली बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें चिकन, कैप्सिकम, अनियन, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली, स्प्रिंग अनियन और सॉल्ट चाहिए होगा। अब मैं बताती हूँ मैंने इसे मैरिनेट चिकन को कैसे किया है। मैरिनेशन के वक्त मैंने इसमें थोड़ा अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था, थोड़ा नमक, थोड़ा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा तेल डाल के अच्छी तरह से मैरिनेट करके उसे फ्रीजर में रख दिया था। तेल को मैंने गरम कर लिया है, उसमें मैं जो मैरिनेटेड चिकन है वो डाल रही हूँ। हमें मीडियम फ्लेम में ही बनाना है इसे। आप देख सक रहे हैं एक तरफ से जब चिकन हमारा थोड़ा गोल्डन हो गया है, तब हम इसे दूसरी तरफ टर्न कर देंगे ताकि हमारी दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पक सके। अब मैं चिली चिकन को ग्रेवी में लगाऊंगी। मैं यहाँ पे ड्राई चिली चिकन बना रही हूँ। पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है, उसी पैन में तेल लिया है जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था। अब इसमें मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन कटे हुए डाल रही हूँ। इसे हम थोड़ा सा सौते करेंगे ताकि ये जल ना जाए, मगर इसकी जो महक है वो चली जाए। अब मैं इसमें थोड़े से स्प्रिंग अनियन की जो व्हाइट पोर्शन होती है शैलेट्स, वो थोड़े से कटे हुए डाल दिए ताकि हमारा टेस्ट और भी थोड़ा सा एनहांस हो जाए। अब मैं इसमें कटे हुए कैप्सिकम डाल रही हूँ। हमें ध्यान रखना है चाइनीज में पूरी सब्जी थोड़ी क्रंची होती है, तब उसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा से आता है। और ये हर वक्त याद रखिएगा कि चाइनीज जितनी डिशेज होती है ये सारे हाई फ्लेम्स में ही बनती है। अब मैं इसमें थोड़े से, क्योंकि ये चिली चिकन है तो चिली आप अपने स्वाद अनुसार ही डालेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे घर में बच्चे भी हैं तो इसीलिए, और बड़े भी हैं तो थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ। थोड़े से मैंने अनियन को क्यूब करके डाल दिया था। अगर आप ग्रेवी थोड़ा बनाना चाहें, टेस्ट और इन्हेंस करना चाहें, वो भी मिक्स कर सकते हैं, और या आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, अवॉइड भी कर सकते हैं। हमारी सब्जी आप देख सक रहे हैं वेजिटेबल्स थोड़ी थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी रेड चिली सॉस डालेंगे। आप चाहे तो ग्रीन भी डाल सकते हैं, बट रेड डालने से टेस्ट थोड़ी ज़्यादा अच्छी आती है। थोड़ी सी मिठास लाने के लिए केचप डालेंगे, ये आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ी सी पेपर पाउडर, थोड़ी सी नमक, क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा मैरिनेशन के वक्त भी मैंने इसमें डाला था नमक, तो ये ज़्यादा नहीं हो जाए। थोड़ा सौते करूँगी ताकि सारे सॉसेस अच्छी तरह से हमारे वेजिटेबल्स से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल रही हूँ, थोड़े से बचा के रखेंगे लास्ट के लिए, गार्निश करने करते वक्त डालूंगी मैं। आप देख सक रहे हैं कि हमारा सारे सॉस अच्छी तरह से वेजिटेबल से मिक्स हो गए हैं। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये क्रंची ही हो। अब मैं हमारे सारे चिकन पकौड़े इसमें डाल रही हूँ। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारा चिकन और ये सॉस, सारे वेजिटेबल्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और ये जो ऑयलीपन आप देख रहे हैं ना, ये दिख जाए, तब पता चलता है कि ये कलर भी अच्छा आता है, खाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं हमारे चिली चिकन रेडी है सर्व करने के लिए, जिसमें जो भी थोड़ी एक्सेस ऑयल है वो आप हटा सकते हैं। बाद में अगर आप फ्राइड राइस या कुछ बनाए तो उसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज हो जाएगी आपकी, और खाना में टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी चिकन की एसेंस आ चुकी है। थोड़ी सी सर्व करने से पहले गार्निश करेंगे वाइट सेसमी से और स्प्रिंग अनियन से। ये हमारा ड्राई चिली चिकन रेडी है सर्व करने के लिए।